अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा आप खैर से रहें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कैरलॉन जो है वो उसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं सारे तो नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत ही कोशिश की मैंने कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा सकूँ। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो बिल्कुल भी अगर आप चाहते हैं कि कैरलॉन के आप हर प्रोडक्ट के बारे में जान सकें तो ये वीडियो आपके लिए है। विद प्राइस, सारी प्राइजेज जो हैं इस पर लिखी हैं और मैं आपको बताऊंगी, तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले जो है वो केक लाइनर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हर कलर में है, बहुत कोशिश करके कुछ कलर्स मैंने आपको दिखा सकी हूँ। बहुत इनकी रेंज है, जो कि 071 है, ब्लैकिश है, 078 है रेड, और इसकी प्राइस जो है सबकी 1330 है, और 101 चॉकलेट, 510 ब्लू, इनकी सारी जो है 1330 जो है प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस। ओके, 1512 ग्रीन कलर है इसमें जी, ब्लू कलर है जो कि रॉयल ब्लू है, 545, और इसके अलावा जो है लेक और अल्ट्रॉट रेड कलर है ब्राउन कलर में, और जो है R21 पिंक है, 831 जी है जो कि ग्रीनिश है, और 1W जो कैलॉन स्टिक जो कि पिंकिश है और इसकी प्राइस 2600 रुपये है, 303 जो है वो येलो कलर है, 508 जो है वो ऑरेंजिश कलर है, 4W जो है वो पिंकिश टोन में। सारी जो W की रेंज है इनकी वो पिंकिश टोन में है, तो मैं सबके साथ तो आपको नहीं बता सकती कि कौन से शेड में है। ये 3W भी जो है वो पिंकिश शेड में है, यानी कि एक तरह से फेयर टोन में आ जाती है, एशियन फेयर टोन में ये जो आती है, और 2W जो है। अच्छा, इन सब की प्राइस जो है वो 2600 है अभी नाउ, तो ये जो है ऊपर नीचे होती रहती है। ओरिएंटल है जो कि बहुत ही ब्राउन सा कलर है वो है ओरिएंटल, और ये एज बेस तो बहुत कम देखने में मिलता है। यस, FS45 ये वाला जो है एशियन स्किन पे बहुत सूट करता है बहुत ज़्यादा, और जिसको हम एशियन फेयर कहते हैं उस पर तो बहुत अच्छा है। FS38 जो गंदुमी रंग होता है, ब्रिटिश रंग जो होता है, उसके लिए बेस्ट है, और ये सब प्राइस एक जैसी हैं। और FS36 जो है वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, वैसे ये तीनों FS वाली जो है रेंज वो बहुत अच्छी है एशियन स्किन के लिए, और यही यूज़ होती है मोस्टली। उसके बाद जनाब चाइनीज़ है, ये बिल्कुल येलो शेड में आ जाता है, ये बहुत कम यूज़ होता है। हाँ, कंसीलर करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पे है तो। F1 जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया F की सीरीज एशियन स्किन के लिए है, और ये भी एक फेयर टोन में आ जाता है। इसके बाद जो है वो एवरी कलर है, ये बहुत ही एवरी कलर है जो भी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ मिलके बहुत सारे कलर्स जो है वो बन सकते हैं आपकी स्किन टोन के लिहाज से। इसके अलावा जो है लिक्विड फाउंडेशन है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ ली हैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए कि इनके प्रोडक्ट है। ये FS38 है, और ये भी वही है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि F की लाइन जो है ये फेयर ऑलिव है, ये 2500 की जो है ये इसकी जो है प्राइस है, 2W है इसमें, और मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ 1W जो कि हमारी स्किन के हिसाब से होती है, 002 है वो मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको दिखाऊं, 001 है, और इनके साथ कॉम्बिनेशन करके भी आप बना सकते हैं, ये 3W है। तो ये जो है इनके साथ थोड़ा सी ये एवरी कलर है जो कि मैंने फिर से अगेन फेयर टोन के लिए है। इसके बाद ट्रांसलूसिंग पाउडर जो है आपके कंसीलर यानी स्टिक के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये है TL9, और आप इसको गौर से देखें, TL9 है ये, और इनके कलर्स देखें और जहन में रखें, मैं आपको बताती हूँ, TL9 TL7 है ये, और ये दो भी बहुत ज़्यादा एशियन स्किन पे सूट करते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा फेयर कलर है, और इसका जो नंबर है वो है TL6, और ये जो है आपको मिलेगा 2780, तो और ये थोड़ा सा जो है ब्राउनिश सा है, इसको TL5 ये एज एट मतलब कम्पैक्ट और फिक्सर के तौर पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्राउनिंग इस तरह से यूज़ हो सकता है, या फिर बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन में। ये TL4 ये थोड़ा सा पेल सा है, और सबकी प्राइस एक सी है, मतलब कि पाउडर्स एक प्राइस पे हैं, स्टिक्स एक प्राइस पे, लिक्विड फाउंडेशन एक प्राइस पे। ये TL3 है, और ये फेयर टोन में है। इसके अलावा ये जो है TL2 है आई थिंक,
तो ये जो है जी ए टी एल टू है, ये बहुत ही बेस्ट है स्किन एशियन स्किन के लिए। और ये TL11 है। उसके बाद जो है आई शेडोज, मतलब आईज पिगमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये पॉलिएस्टर ग्लैमर है जो कि रोज़ में है, 1350 की है, ये वाइट कलर में है, उसी की सीरीज आ रही है। ये पर्ल ग्रीन कलर है जो कि वाइटिश में है, ये भी 1350, यानी ये सेम प्राइस है। मैंने जैसे आपको बताया पाउडर सेम प्राइस और इस तरह से स्टिक सेम प्राइस। ये पर्ल ब्लू कलर है, ये पॉलिएस्टर ग्लैमर है सारी, और ये येलो कलर है। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया है ये भी देख लेते हैं। इसको पेस्टल येलो कलर दिया है इन्होंने, और ये भी 1350 की है। उसके अलावा ये पिंकिश और गोल्डन मिक्स है जो कि मैंने आज वीडियो भी एक बनाई है, पेस्टल पिंक कलर इसको कहेंगे। और ये ग्रीनिश और गोल्डन, मतलब किसी भी कलर के साथ आप जब गोल्डन मिक्स करते हैं वो बहुत खूबसूरत लगता है मेकअप में बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह मिक्सिंग करनी है, बाकी चीज़ों की वो अलग एक है। लाइट गोल्ड है ये। इसके अलावा आप देखिए कितने खूबसूरत कलर है, यानी किसी के पास भी इतनी ज़्यादा रेंज तो नहीं होगी क्योंकि कोई भी ब्रांड का मैनेजर या फिर कुछ नहीं है। अच्छा, ये इनका जो है डिवा बॉक्स है जो कि आपको 10,000 में मिलेगा, जिसमें आपको जो है लाइनर, ब्रश, 3 लिप ग्लॉस और 3 स्टिक्स, मतलब टीवी पेंट स्टिक्स और लिक्विड फाउंडेशन भी मिलेगी। और इसके अलावा इनका ये लिप ग्लॉस है, यानी हाई ग्लॉस जिसको इन्होंने नाम दिया है। और इसकी भी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी क्या है। ये है 2080 का। और इसके अलावा ये इनकी जी लिक्विड फाउंडेशन है जो कि HD कवरेज देती है, इनका दावा है। और ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी प्राइस जो है वो 6,000। तो इसकी जो प्राइस है वो 6,490 है, यानी कि 650 आप लगा लें इसकी प्राइस। और इसमें बहुत ही खूबसूरत शेड है, वो सारे शेड्स हैं जो आप टीवी पेंट फ्रांस लूसिंग पाउडर से मैच करना चाहें, हर चीज़ आपको मिलेगी। बहुत वाइड रेंज है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको चंद दिखा सकी हूँ, वक्त की बचत के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए जी। तो ये इनके ग्लैमर स्पार्क्स हैं शेड्स जो कि बहुत ज़्यादा कलर्स में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर कलर नहीं दिखा सकी, सिर्फ मैं दिखाना चाहती थी इनका प्रोडक्ट क्या है। तो जो इसकी प्राइस है वो 2,000 है। इसके अलावा ये आई शेडो है, बहुत खूबसूरत आई शेडो है, इनकी प्राइस है 1620, यानी कि 1650 आप मिनिमम अपनी जो है रेंज रखें। और बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं बहुत ही लिमिटेड ले आई हूँ। इसके अलावा बहुत खूबसूरत शेड्स हैं इनके जो कि आप अगर चाहें तो आप नेट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे ये आई शेडो है, हाईलाइट आई शेडो, मुख्तलिफ इनके जो हैं वो कलर्स हैं, और इनकी प्राइस 1620 थी। यहाँ पर अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है पैनकेक है इनका, और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है ना, मतलब ड्राई केक है, इसमें वेट केक है। ये जो अभी आपको दिखाया था वो 2W था। और इसके अलावा ये जो है इनका फ्लूइड फाउंडेशन है, या इसको कैमोफेज कह लें, यानी कि इनकी कवरेज के लिए, कंसीलिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2500 की है। इसके अलावा जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपको कलर्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, यानी हर स्किन टोन में वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्किन टोन्स हैं उनके हिसाब से आपको हर कलर मिल जाएगा। यहाँ पे भी जी ये कंसीलर्स जो है जिन्हें कैमोफेज कहते हैं, ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे, और ये सारे 1900 में हैं। मतलब कि आप यहाँ पर कलर्स देख लें, इनको नोट कर लें, जैसे D5 है इस पर लिखा हुआ है, तो आप ये देखें डी नोट कर लें अगर आप लेना चाहते हैं और आपको ज़रूरत है। यहाँ पे सारी रेंज मैंने आपको घर बैठे दिखा दे कलर्स। तो ये देखिए आप, ये D4 है कंसीलिंग करने के लिए, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, पिंपल्स है, उनको कवर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं जो यूजेज है सारी इनकी वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बेस के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको शेड्स दिखाना चाह रही थी कि इस ब्रांड के जो है बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और जो है ना ये कवर करती है। अब ग्रीन जैसे कि आपकी जो पिगमेंटेशन को उसको हाइड कर देता है, पहले आप कंसील करें उसको अंडर आई। इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो तो आप ग्रीन या फिर जो है ब्राउन या फिर आप ऑरेंजिश में जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है सारे जो है शेड्स उनके जो है साथ नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये पैनकेक के बारे में बात कर लेंगे, इसमें सेम जो है वेट में भी होते जी। तो ये पैनकेक वेट में भी होते हैं, ड्राई में भी होते हैं, और जो है ये जो है बहुत ज़्यादा बेसिस बनाने के लिए, मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये वेट केक है, पहले मैंने आपको ड्राई केक दिखाया था, ये चाइनीज शेड है। इसके अलावा ये एक्वा कलर जो है ये वेट में ही होते हैं, ये जो सफ़ेद पैकिंग में होते हैं ये वेट में ही होते हैं। और
ये भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत सी रेंज में आपको मिल जाएंगे, बहुत से कलर में मिल जाएंगे। सारे जो कलर टीवी पेंट स्टिक में है वो सारे इनमें भी हैं। और सेम जो है ड्राई केक में, सेम वेट केक में, और पैन केक जो है सारे वो हर शेड में आपको मिल जाएंगे। ये 508 है। इसके अलावा ये है वही वेट केक है एक्वा कलर, और इसके पीछे जो है वो कोड लगा होता है जैसे कि मैंने टीवी पेंट स्टिक में दिखाया था। और वेट केक है ये भी 1W, और ये फिर एक कलर रह गया था मुझसे तो मैंने सोचा दिखा दूँ D3, और ये D32। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो है मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ब्राइडल बेस अब बनाएंगे हम पैनकेक्स के साथ, तो फिर आपसे वो मिस ना हो जाए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और सबसे अच्छी बात कि आपके साथ मेरा साथ जुड़ा रहेगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।